जो आपने कहा उसमें से दो तीन बातें जो मुझे याद रह गई हैं, बाकी तो मैंने ये सब लिया है और इनको मैं अवश्य दिखवाऊंगा। एक बात जो मेरे मन में हमेशा, मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए मैंने प्रक्रिया शुरू भी करवा दिया है, संविदा कर्मियों का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि उसका हम जल्दी से जल्दी हल निकालें। हम अपने वरिष्ठ नेतागण के साथ बैठ करके इसका क्या हल हो सकता है, हम उस दिशा में अवश्य काम करेंगे। लेकिन उसमें भी जो एक बात है उसको तो मैं तात्कालिक, मैंने ऑलरेडी कह दिया है, उसकी शायद एक दो राउंड मीटिंग भी हो चुकी है यूपीपीसीएल में, वो ये है, मैंने सुना है, ऐसा मुझे आपके नेतागण ने बताया है कि संविदा कर्मियों के पगार में बड़ी विसंगतताएं हैं। किसी डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, दूसरे डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, एक ही डिस्काम के एक जिले में कुछ पगार मिलती है, दूसरे जिले में कुछ पगार मिलती है। मैंने इसमें थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये कुछ लोग मिलिट्री में से आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, इसलिए फर्क है। मैंने कहा वो भी देखो इसके, तो इसलिए ये विषय जो है वो पूरी तरह से मेरे दिमाग में है और उसमें अवश्य मैं कुछ न कुछ आगे उसमें आगे काम किया जाएगा और आप सबको उसके सुखद परिणाम, सुखद समाचार अवश्य मिलेंगे। दूसरी बात कि जो हमारे कर्मचारी मृत्यु पाते हैं उनके लिए भी, जैसा मैंने कहा, पहली चिंता का विषय तो यह है कि मृत्यु होनी ही क्यों चाहिए भाई। हम ऐसी व्यवस्थाएं, मैं तो आप लोगों का भी आह्वान करता हूं, आप जो इंजीनियरिंग किए हुए टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, आप मुझे सुझाव लिख करके भेजिए या अपने नेताओं के मार्फत भेजिए कि कैसे इस समस्या को निवारा जा सकता है। इतना बड़ा रेलवे का तंत्र है, सोचिए इतनी ज्यादा रेलवे फैली हुई है लेकिन कर्मचारी का एक्सीडेंट तो नहीं होता है। अगर कहीं बाई चांस रेलवे में कुछ गड़बड़ी हो गई तो ठीक है, डब्बा पलटता है, पैसेंजर को वो नुकसान होता है, लेकिन कर्मचारी आए दिन मरे, ये दृश्य सिर्फ बिजली विभाग में और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, शायद अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन बाई द वे साल छह महीने में एकाध घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। वो क्या हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसका कुछ तकनीकी सुझाव हो, तकनीकी उसका अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो हम तक